दोस्तों, भारत का तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है। क्या आप इस तिरंगे झंडे के पिछले इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस तिरंगे झंडे को देखकर भारत का हर नागरिक गर्व महसूस करता है, इस झंडे को क्यों बनाया गया और कब बनाया गया था? झंडे को तीन रंग का बनाने का ख्याल सबसे पहले किस व्यक्ति के मन में आया था? इसके तीनों रंगों का महत्व क्या है? इससे पहले कब कब झंडे को बदला गया? तिरंगे झंडे के फहराने के नियम क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे का अपमान करता है तो उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तिरंगे झंडे के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, ये बात है 1857 की, जब हिंदुस्तान की सड़कों पर भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आगाज किया था और तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन करते या कोई बड़ा जुलूस निकालने का मन बनाते थे, लेकिन भारतीयों के पास अभी तक कोई ऐसा झंडा नहीं था जिसके जरिए हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों को एक झंडे के साथ खड़ा कर सकें। और किसी भी जंग के आगाज के लिए एक झंडा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी झंडे के साथ फौज युद्ध का आगाज करती है, जो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। इसी के साथ दोस्तों, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह विद्रोह व लड़ाइयाँ चल रही थी। जब हिंदुस्तान में हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने जंग का ऐलान किया तो अब अपने अपने इलाके से लोगों ने झंडा बनाना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान ग्रीन पार्क में फहराया गया था। वर्तमान झंडे की तरह इसमें तीन पट्टियां थी। सबसे ऊपर हरा रंग था जिसमें 8 सफेद रंग के कमल के फूल बने हुए थे। बीच वाली पट्टी पीले रंग की जिसके ऊपर वंदे मातरम लिखा था, और सबसे नीचे वाली लाल पट्टी जिसमें चांद और सूरज बने हुए थे। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैडम भिकाजी कामा द्वारा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर 1907 में फहराया गया था। यह पिछले झंडे से मिलता जुलता ही था। इसके बाद वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने तीसरी बार हिंदुस्तान के ध्वज को फहराया था, जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियां बनी थी और 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। इस ध्वज के बाएं हाथ के कोने पर ऊपर की ओर यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का ध्वज भी बना था। दोस्तों, हर साल हिंदुस्तान के झंडे का अलग अलग तरह से चयन हो रहा था, जिसकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बड़ी समस्या सता रही थी। तभी साल 1921 आता है जब बेजवाड़ा, जो वर्तमान में विजयवाड़ा है, यहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के युवाओं ने हिंदुस्तान का एक ध्वज तैयार किया था जिसे गांधी जी को दिखाया गया। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो मुख्यतः हिंदुस्तान के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। दोस्तों, कुछ लोग इस झंडे के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से खासे नाराज थे। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि इस झंडे में एक सफेद रंग भी जोड़ा जाए जो भारत के अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व कर सके और बीच में चलता हुआ चरखा हो, जो राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था, जिसको ध्यान में रखते हुए नए झंडे को सभी की सहमति से अपनाया गया था। इस तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे वाली पट्टी पर हरा रंग था। इसके साथ ही दोस्तों, सफेद वाली पट्टी पर चलता हुआ चरखा भी मौजूद था। इस झंडे का डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली बेंगा ने तैयार किया था। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस कमेटी की ओर से तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। इसके बाद 1931 से लेकर 1947 भारत की आजादी तक यही हिंदुस्तान का झंडा रहा। इसी झंडे के साए में रहकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जब 1947 में भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि अब हिंदुस्तान का झंडा कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर भारतीयों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया था वह दरअसल भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। इसके बाद दोस्तों, 1947 में एक टीम बनाई गई जो हिंदुस्तान का एक नया झंडा तैयार कर सके, जिसके लिए संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। दोस्तों, उस समय संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी थे बदरुद्दीन तैयब जी, और तैयब जी ने सभा के सभी लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत के पुराने झंडे से चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को रखा जाए। तैयब जी का यह प्रस्ताव सभी को बहुत पसंद आता है और इसके बाद हमेशा के लिए भारत के इस तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, तिरंगे के तीनों रंगों के महत्व की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर वाली पट्टी में केसरिया रंग है जो हिंदुस्तान की शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है। बीच वाली सफेद पट्टी अशोक के धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। नीचे वाली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को प्रदर्शित करती है।
दोस्तों इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहा जाता है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के मंदिर से लिया गया था। इस चक्र को रखने का मतलब है कि जीवन गतिशील है और रुकने का मतलब मृत्यु है। तिरंगे झंडे की तीनों पट्टियां समानुपात में हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोगुना तीन है। दोस्तों फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में तिरंगे झंडे को फहराने के नियम डिटेल में बताए गए हैं, जिनमें से कुछ हैं, जैसे तिरंगे झंडे को अगर खुले में फहराया गया है तो उसे सूरज ढलने से पहले उतार लेना चाहिए। तिरंगा झंडा कभी भी झुकना नहीं चाहिए। किसी भी हाल में तिरंगे का रंग रूप बदला नहीं जा सकता है। झंडे को उल्टा भी नहीं फहराया जा सकता है। कभी भी तिरंगे झंडे के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। तिरंगे झंडे को गंदी अवस्था में भी नहीं फहराया जा सकता है। दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल 1971 के तहत अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे का अपमान करता है या करता पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारे देश की शान, तिरंगे झंडे के इतिहास की कहानी, जिसे हमने गूगल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सहजता से आपको बताया है। इसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।